नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना वर्मा प्राचीन इतिहास विभाग से हूँ, सामाजिक विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज से। एकेडमिक कंसल्टेंट के पद पे मैं कार्यरत हूँ। आज प्राचीन इतिहास विषय के MAAH 1039, जिसका विषय है अर्ली सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन, इसकी इकाई नंबर 2 पे हम चर्चा करेंगे। इस विषय पे आप सबका स्वागत है। अर्ली सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन यानी वर्ण, प्रकृति और उत्पत्ति, विभिन्न वर्गों के कर्तव्य, विशेषाधिकार और अक्षमताएँ। आज इस विषय को हम दो भागों में बांट करके इस पर चर्चा करेंगे। पहला पार्ट आज हम लेंगे, जिसमें वर्ण, प्रकृति एवं उत्पत्ति पर फोकस करेंगे। उद्देश्य वर्ण को पढ़ने का या वर्ण पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य है कि इसकी उपयोगिता आज भी भारतीय सामाजिक संरचना में विद्यमान है। वर्ण समाज, व्यक्ति और समष्टि के उत्कर्ष का एक माध्यम है। यानी निष्ठापूर्वक यदि अपने वर्ण धर्म का जो व्यक्ति पालन करता है, तो उससे समाज, व्यक्ति और समष्टि का उत्कर्ष होता है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और वर्णगत व्यवस्था या सामाजिक विभाजन में जीवन के अंतर्निहित तत्व एवं चिंतन शामिल होते हैं। और वर्ण, मनुष्य अपने वर्ण के अंदर रहते हुए अपने वर्ण के लिए निर्धारित अपने कर्म को करता है, और उसके उपरांत वो एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता है। इसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, दान, शौच इत्यादि नियमों का पालन करते हुए वो अपने कर्म को संपादित करता है और एक परम आनंद की अनुभूति उसे होती है। हमारे भारतीय इतिहास में वर्ण व्यवस्था और उससे जुड़ा पुरुषार्थ की जो संकल्पना है, उसमें मोक्ष भी एक प्रमुख लक्ष्य है। और ये व्यवस्था भारत के अलावा और किसी भी संस्कृति में नहीं पाई जाती है। ये अनुपम व्यवस्था केवल भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि प्राचीन वैदिक काल से लेकर के आज तक, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, ये वर्ण व्यवस्था विद्यमान है। वर्ण व्यवस्था में वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति वृद्ध धातु से होती है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चयन करना। समाज शास्त्रीय भाषा में वर्ण को रंग से जोड़ा गया है, और ये माना जाता है कि अपने चुने हुए व्यवसाय से वो व्यक्ति आबद्ध होता है तथा अपने हितों तथा अपने स्थितियों के प्रति वो जागरूक होता है। सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग हमें ऋग्वेद में मिलता है, और ये पूर्व वैदिक समाज में सबसे पहले हमें दिखता है वर्ण शब्द का प्रयोग। पूर्व वैदिक समाज में ये वर्गीकरण रंग, प्रजाति पर आधारित थी। आर्य श्वेत वर्णी थे और अनार्य अश्वेत वर्णी थे। श्वेत और श्याम, अश्वेत यानी श्याम, श्याम वर्णी थे। तो एक तरीके से रंग पर आधारित ये विभाजन था। इसे प्रजाति पर भी आधारित माना जा सकता है। सांस्कृतिक विभाजन, आरंभ में सांस्कृतिक विभाजन माना गया।
इसका सांस्कृतिक विभाजन माना गया और ये देखा गया कि आर्य जो हैं वो सदाचारी हैं और अच्छी वृत्ति वाले हैं, नियमानुकूल रहने वाले हैं, और अनार्य जो हैं वो अनियमित, अनियमितता रखते हैं और उनके व्यवहार या उनमें कुछ दुवृत्तियाँ भी रहती हैं। तो इस तरीके से एक सांस्कृतिक आधार पर इन्हें हम बांटते हैं। इसके उपरांत ये माना गया कि आर्य बाहर से आए थे और यहाँ के आदिम जातियाँ जो थीं उन पर आक्रमण करके, उन्हें अपदस्थ करके यहाँ पर अपना उन्होंने स्थान बनाया। इसमें यहाँ पे ये उल्लेखनीय है कि आज भी इतिहासकारों के बीच आर्यन इन्वेजन थ्योरी वर्सेस नॉन आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बीच विवाद है। आर्य का आक्रमण हुआ था या आर्य स्वदेशी थे? आर्य यहाँ पर आगमन करके इन्होंने यहाँ के आदिम जातियों को संहार करके हटा दिया, या फिर आर्य पहले से ही यहाँ पे रहते थे? तो ये विवाद का विषय है और हमारे इतिहासकारों, मनीषियों के बीच ये आज भी शोध का गहन विषय है। पुरुष सूक्त में हमें इसका उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद का दसवां मंडल है, दसवां मंडल में पुरुष सूक्त है, उसमें हमें इसका उल्लेख मिलता है सबसे पहले और वर्णों के बारे में। और इसमें चतुर वर्ण का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग हमें पुरुष सूक्त में मिलता है। लेकिन ये सोचने का विषय है और कुछ इतिहासकारों ने इसको पुनर्व्याख्यायित किया है कि चूंकि पुरुष सूक्त प्रक्षिप्तांश है, यानी कि बाद में जोड़ा गया है, और ऋग्वेद में जन, विष, गण, व्रात, साद्र आदि इकाइयों का नाम मिलता है जो कि भाईचारा सिद्धांत पर और कबायली संगठन की ओर संकेत करता है। तो ऋग्वैदिक समाज जो था वो एक कबायली संगठन था, जैसे जन, विष, आविष, उपसर्ग लगाया गया, उपविष, इस तरीके से उपसर्ग लगाया गया है और हमें उल्लेख मिलता है। तो इसके आधार पे यह हमें पता चलता है कि यह कबायली संगठन पर आधारित था ऋग्वैदिक काल भी और भाईचारा की संस्कृति पर था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। इसमें देखिए ऋग्वेद में हमें ये उल्लेख मिलता है, यो वह सेनानी मरहतो गणस्य राजा कृतस्य प्रथमो बभूव। यानी कि जो सेनानी यानी राजा होता था देश की और प्रजा की, जो रक्षा करने के लिए होता था, सेनानी होता था, वह अन्य लोगों के साथ गणस्य यानी कि अन्य लोगों के साथ एक समान रहता था। लेकिन यहाँ पे हम उल्लेख करेंगे कि ये प्रक्षिप्तांश ऋग्वेद के आखिरी मंडल में ज़रूर मिला है, लेकिन संभवतः ये उत्तर वैदिक काल की दशा का वर्णन करता है। ऋग्वैदिक समाज में इस तरीके का चातुर्वर्ण फोरफोल्ड सोसाइटी का की संरचना हमें नहीं दिखती है। वर्ण चातुर्य की के पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में क्या अवस्था थी? अभी हमने आपको बताया कि रंग पर आर्य अनार्य, रंग पर अथवा प्रजाति पर आधारित ये द्विवर्णीय व्यवस्था थी। इसमें अनार्य मतलब आर्य आए, उन्होंने विजय की और यहाँ के स्थानीय लोगों को उन्होंने अपने आश्रय में रखा, अपने अधीन रखा, उनसे वो घरेलू काम लिए जाते थे और
उन्हें दास बना करके रखा जाता था। तो यहाँ पर दास जो है घरेलू ही रूप में देखा गया है, दान के रूप में भी कभी कभी भी पुरुष दास को नहीं गिना गया है, नहीं मिला है, और न ही इन दासों ने आर्थिक उपार्जन में अपना कोई महान योगदान दिया। ऋग्वैदिक समाज में आर्यों का आगमन हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज में ज़्यादा संगठित दिखता है, जहाँ फोर फोल्ड सोसाइटी की हम का उल्लेख पाते हैं। वर्ण की उत्पत्ति के विषय में हम देखेंगे कि कई सिद्धांत हमारे मनीषियों ने प्रतिपादित किए हैं। चूँकि शुरू में धर्म प्रभावित था, इसलिए सबसे पहला सिद्धांत जो है हमारा दैवी सिद्धांत है, डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ण। इसमें ये माना जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त की चर्चा अभी हमने की, उसमें ये दिया गया है ब्राह्मणो अस्य मुख मासीद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शुद्रो अजायत। अर्थात उस विराट पुरुष के कल्पना की गई है कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, बाहु से राजा की उत्पत्ति होती है और उरु अर्थात जांग का जो हिस्सा है विराट पुरुष के, उससे वैश्य की उत्पत्ति होती है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति माना जाता है। यानी विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों का उदय हुआ। इस प्रकार से एक तरीके से दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को बताते हुए एक ये संकल्पना थी कि ये उत्पत्ति चूंकि दैवी है, इसलिए इसके अंतर्गत जो कर्म दिए जाएंगे, जो वर्ण हैं, अलग अलग वर्ण हैं, उनके लिए अलग अलग विभाजित कर्म हैं, तो जो कर्म बताए जाएंगे तो उनको वो निष्ठापूर्वक उसका निष्पादन करेगा। इसके पीछे की ये संकल्पना है। ब्राह्मण मुख्यतः वाणी, चूंकि मुख से उत्पन्न है, इसलिए वाणी शिक्षा ज्ञान यज्ञ इत्यादि का कार्य करता था। बाहु से उत्पन्न है, बाहुबल आप जानते हैं कि बाहु से उत्पन्न है, यानी शक्ति और शौर्य, उसके साथ ही साथ सैन्य संचालन का कार्य क्षत्रिय करता था। आर्थिक उपार्जन का कार्य वैश्यों के हिस्से में था, जो कि उर से यानी जंगे से उत्पन्न हुए हैं, पदाभ्याम शुद्ध जायत। यहाँ पे एक चीज हम बताएं, जैसे कि व्यक्ति के शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं और सभी अंग समान हैं, इस तरीके की विचारधारा उन दिनों थी कि विभिन्न अंगों से, जैसे हर अंग महत्वपूर्ण है, वैसे ही हर वर्ण महत्वपूर्ण है और सभी में एक तरीके से समानता थी और ये लोग आपस में मिलजुल करके रहते थे। इसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है जिसे हम गुण का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ ट्रेड्स ओरिजिन फॉर द ओरिजिन ऑफ वर्ण। इसमें सत्वम रजम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। गीता में कहा गया है कि प्रकृति द्वारा सत्व रज और तम तीन प्रकार के गुण निर्धारित किए गए हैं और ये तीन प्रकार के गुण जो है व्यक्ति में होते हैं और व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों और उसके प्रवृत्ति के हिसाब से ही ये वर्ण व्यवस्था में उन्हें स्थान मिलता है। यहाँ पे सत्व गुण है, सत्व गुण एक सदाचारी सुविचारी ज्ञान तप विद्या इत्यादि के संबंध में है, जो शुचिता पवित्रता अध्यात्म की चर्चा करता है और इसका स्थान समाज में उच्च है, उच्च स्थानीय इसका समाज में महत्व है।
इसके अतिरिक्त रज जो है, रज यानी आसक्तिपूर्ण रहते हुए जो अपना कार्य करता है, वीरता शूरता और इंद्रिय आसक्ति के साथ जो अपना कार्य निष्पादित करता है, उसे हम रज गुण में रखते हैं, जिसमें मुख्यतः क्षत्रिय को माना गया है। तीसरा है तम गुण। तम यानी अंधकार, इसमें आलस्य, निद्रा, अकर्मण्यता, अज्ञानता, इस तरीके की प्रवृत्ति को माना गया है। सत्व गुण जो है ब्राह्मण में पाए जाते हैं ऐसा माना गया, मतलब कि सत्व गुणों गुण जिनके में है उन्हें ब्राह्मण की संज्ञा हम देंगे। रजोगुण जिन लोगों में है, जिन व्यक्तियों में है, उसे हम क्षत्रिय की संज्ञा देंगे। रज और तम, इन दोनों गुणों का सम्मिश्रण वैश्य में माना गया है। ये दोनों ही गुण उनमें पाए जाते हैं, उन्हें वैश्य की संज्ञा देंगे। और तम गुण जो है वो शूद्रों के अंतर्गत अधिकांशतः पाया जाता है, ये माना गया। मतलब कि इन गुणों से युक्त, ऐसा नहीं कि शूद्र के अंदर ये पाया जाता है, इन गुणों की बहुतायत जिनके में होती है उसे हम इस वर्ग में रखते हैं। इस तरीके से वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट है रंग का सिद्धांत। महाभारत के शांति पर्व में रंग के सिद्धांत की चर्चा हुई है, और ये रंग भी गुण को ही उद्भासित करते हैं। कहा गया है ब्राह्मणा नाम तु सितो, क्षत्रिया नाम तु लोहिता, वैश्या नाम पीत को वर्ण, शूद्र नाम मासित स्तथा। अर्थात ब्राह्मणों का रंग श्वेत है, सितो मतलब श्वेत, क्षत्रिय का रंग जो है वो लोहित है यानी लाल है, वैश्यों का पीत वर्ण है, पीला वर्ण है, और शूद्रों का काला वर्ण है। तो यहाँ पे फिर हम इस बात का उल्लेख करेंगे कि ये रंग जो है वो उनके गुणों को उद्भासित कर रहा है, और सत्व रज तम फिर यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म तथा धर्म का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कर्मा एंड धर्मा, जो कि आज भी प्रचलन में है। इसमें सबसे पहले ब्राह्मण के लिए कर्म निर्धारित किया गया था, स्वधर्मो ब्राह्मणस्य अध्ययन अध्यापनम यजनम दानम प्रति ग्रहेश्च। ये अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र में उनके कर्तव्य के बारे में बताया है कि ब्राह्मण का स्वधर्म अध्ययन और अध्यापन है, यज्ञ करना और यज्ञ कराना है, दान लेना है, प्रतिग्रहश्चि मतलब दान वो ले सकता है। इस तरीके की वर्ग उसका कर्म परिभाषित किया गया है। क्षत्रिय का कर्म सैन्य संचालन एवं प्रशासन बताया गया है, प्रजा की रक्षा करना। जैसे आरंभ से ही, ऋग्वेदिक काल से ही हम देख रहे हैं कि उसमें एक ग्रुप बन जाता था जो आगे आगे चलता था, और कबायली जीवन में वो बाकी स्त्रियों, बच्चों और धन धान्य, धन तो नहीं था लेकिन पशु थे और जन थे उनके, उनकी रक्षा वो करता था। ऐसा ही कर्तव्य उसके यहाँ पे भी है, क्षत्रिय। इस इन्हीं कर्मों के चलते इसे क्षत्रिय नाम दिया गया, क्षत्रिय छत्र जो रक्षा करे। तो ये प्रजा की रक्षा और देश की रक्षा करना इनका प्रमुख कर्तव्य था।
इसके अलावा तीसरा वर्ण जो है वो भी कर्म के आधार पर माना गया है, वैश्य, वार्ता। वार्ता के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और व्यापार और वाणिज्य तीनों आते हैं। वैश्य का प्रमुख कर्तव्य था कि वो समाज के आर्थिक व्यवस्था को अपने कंधे पर रखे, आर्थिकोपार्जन करने का उसका दायित्व था। वो चाहे पशुपालन करे, चाहे कृषि के द्वारा करे, और चाहे वो व्यापार और वाणिज्य के द्वारा इसे संपन्न करे, जो कालांतर में उसका व्यापार और वाणिज्य ही प्रमुख कार्य हो गया, कृषि और पशुपालन गौण कार्य हो गए। इसके अलावा शूद्र की बात होती है तो ये कहा गया कि उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का कार्य है, यानी जो जो व्यक्ति उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा कार्य करते हैं उन्हें इस शूद्र वर्ग में रखा गया। यहाँ पे एक बात हम कहना चाहेंगे, फिर से दोहराना चाहेंगे कि जिस तरीके से विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से उत्पत्ति हुई है, इसी तरीके की धारणा तब भी थी, और सभी अंग जो है महत्वपूर्ण शरीर के माने गए, और समाज के लिए ये माना गया कि पैर से हम चूंकि चलते हैं इसलिए गतिमान समाज को गति देने का कार्य इस वर्ग पे आया है शूद्र पे। इसमें कालांतर में इन कर्म को धर्म के कलेवर में बांटा गया, धर्म का कलेवर इसके ऊपर लपेटा गया कि कर्म जो है वो आपका धार्मिक कर्तव्य है, और इसके परिणाम स्वरूप अगर धर्म पूर्वक आप अपने कर्तव्य को करते हैं तो कर्म फल के दर्शन और पुनर्जन्म की व्याख्या भी इसी में समाहित है। जो व्यक्ति धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसे पुनर्जन्म में उत्तम योनि मिलने की बात की गई। तो यहां से एक दर्शन, कर्म फल का दर्शन शुरू हो गया और पुनर्जन्म की संकल्पना भी इसमें आच्छादित हो गई। उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि सत्कर्म, जो लोग सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, उन लोगों का जन्म मनुष्य योनि में होता है, और मनुष्य योनि को उच्च योनि माना गया है। जितनी योनियां हैं उनमें मनुष्य योनि को उच्चतम योनि माना गया है, और जो लोग दुष्कर्म करते हैं उन्हें अशुभ योनि में उन्हें अगला जन्म मिलता है। ये पुनर्जन्म की संकल्पना है कि कर्म फल के आधार पर आपका अगला जन्म निर्धारित होता है। तो जो दुष्कर्म करते हैं उन्हें अशुभ योनि मिलती है, जैसे कुत्ता, शूकर, चांडाल, इस तरीके की बात कही गई है। सारांशतः कर्म प्रधान व्यवस्था थी और कर्म को धर्म के कलेवर में लपेटा गया है, धर्म निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करें। इसी को आगे बढ़ाया गया है, धर्म और कर्म दोनों की जो हम बात कर रहे हैं और जन्म की बात कर रहे हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं। ऋग्वेद में कहा है कृणवंतो विश्वम आर्यम, एक स्थान पर ऋग्वेद में कहा है कृणवंतो विश्वम आर्यम, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना है। तो संपूर्ण विश्व को आर्य हम कैसे बना लेंगे? अगर जन्म पर आधारित होगा तब तो बिल्कुल नहीं बना सकते, कर्म पर ही आधारित होगा। और जैसा हमने कहा कि सांस्कृतिक को उसमें विभेदन है कि जो सत्कर्म करेंगे वो आर्य कहलाएंगे, तो कर्म पर ही आधारित होगा तभी हम आर्य बनाने की स्थिति में होंगे, जन्म के आधार पर उनका परिवर्तन संभव नहीं है। इसके अलावा मध्यम निकाय में एक प्रसंग मिलता है, ये बौद्ध काल की बात है, इसमें एक प्रसंग मिलता है, हे आश्वालयन, क्या तुम जानते हो कि यवन, कंबोज और दूसरे सीमावर्ती देशों में आर्य तथा दास दो ही वर्ण होते हैं,
दास आर्य हो सकता है और आर्य दास। इसका मतलब इससे साबित हो जाता है कि वर्ण व्यवस्था में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी, कर्म के आधार पर हम वर्ण अपना पा सकते थे, यानी परिस्थिति जो है, समाज की परिस्थिति जो है वो कर्म के आधार पर हो सकती थी। यवन, कंबोज और दूसरे सीमावर्ती देश में आर्य और दास दो ही वर्ण होते हैं, दास आर्य हो सकते हैं और आर्य दास। इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा कि दास आर्य हो सकते हैं और आर्य दास हो सकते हैं, दोनों की संभावना। इसके अलावा मुंडकों पर निषेध में कहा गया है, कर्म पर ही बल दिया गया है, कर्मश्च अमृतम्, कर्म ही से अमृत प्राप्त होता है, कर्म ही प्रधान है। और आगे हम बढ़ते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। ये जो है पुण्य करने से, पुण्य कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप करने से पाप यानी डिग्रेडेशन हो जाता है। इसके बाद ये थोड़ा सा रिचर्ड फिक के विचार हैं जो उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्त किए हैं, वो बुद्ध संबंधी विचार हैं। बौद्ध काल में के समाज में क्या स्थिति थी, जन्म और कर्म के आधार पर वर्गीकरण पे इस पे प्रकाश पड़ता है। ये 3rd century के आसपास की बात है बुद्ध काल की, और उस समय ये कहा गया कि एक विवाद उठा और विवाद में ये था मनुष्य जन्म से ब्राह्मण होता है या वो कर्म से ब्राह्मण होता है, ये विवाद का विषय था। और इस विवाद का निपटारा बुद्ध ने कहा कि मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, यानी कि कर्म प्रधान समाज था और कर्मों से ही वर्ण की को परिभाषित किया जा सकता था। इसके अलावा एक दूसरा प्रसंग मिलता है, इसे भी रिचर्ड फिक ने ही उद्धृत किया है अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जातक कथा का उन्होंने उल्लेख किया है, और उसमें एक बालक है जो अपने माँ से जिद कर रहा है कि उसे गौतम बुद्ध के पिता का नाम दिया जाए, गौतम बुद्ध के पिता का जो नाम है वही नाम वो अपना रखना चाहता था। तो इस रेफरेंस में भी ये हमें उल्लेख मिलता है, और ये गौतम बुद्ध के ही विचार हैं कि नीच स्त्री से जन्मे बालक को परिवार का नाम नहीं दिया जा सकता। यानी यहाँ पे बात थोड़ी सी अलग हो जा रही है, यहाँ कर्म पर प्रधानता है लेकिन नीच स्त्री से जन्मे बालक को परिवार का नाम नहीं दिया जा सकता है। ये नीच स्त्री गणिका थी और गणिका के पुत्र ने इस तरीके का आग्रह किया था। तो इससे साबित ये होता है कि यहाँ पे जन्म को प्रधानता मिल रही है, यहाँ कर्म को प्रधानता मिल रही है। इससे ये साबित होता है कि उस समय परिस्थिति और जन्म और कर्म तीनों ही प्रधान थे और समाज में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन उस समय था। और कुछ सुधारवादी चिंतकों का भी हम उल्लेख करेंगे जब हम जन्म के सिद्धांत के विषय में बात करेंगे, थ्योरी ऑफ बर्थ। इसमें महाकाव्य काल तक आते आते जन्म का सिद्धांत परिपक्व हो चुका था, अब कोई गुंजाइश नहीं थी कि कर्म के द्वारा उसको हम परिमार्जित या परिष्कृत कर सकें या फिर अपना वर्ण बदल सकें। इसमें महाकाव्य काल में वशिष्ठ ब्राह्मण है, विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, और इन दोनों के बीच ब्राह्मणत्व और पौरोहित्य को लेकर के द्वंद्व होता है। ये देखिए वशिष्ठ ब्राह्मण और विश्वामित्र क्षत्रिय, लेकिन दोनों ही ऋषि थे, कर्म दोनों के ही जो है ऋषि, ब्राह्मणत्व वाले थे, पौरोहित्य वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी वरिष्ठता के लिए इनमें द्वंद्व का उल्लेख मिलता है। गुरु द्रोणाचार्य
महाभारत के ये प्रमुख नायक हैं, चरित्र हैं। गुरु द्रोणाचार्य क्षत्रिय कार्य करते थे। आप सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का अद्भुत या बहुत प्रमुख उनकी भूमिका रही है। ये क्षत्रिय कर्म करते थे, सैन्य संचालन करते थे, सेनापतित्व करते थे, लेकिन ये जन्म से ब्राह्मण थे। दूसरा चरित्र है युधिष्ठिर का, जो जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन सत्कर्म, सुविचारी, सत्य का आग्रह, ये सब इनके कर्म थे। मतलब व्यक्तित्व, अगर प्रवृत्तिगत गुणों की बात की जाए तो ये सात्विक विचार के थे, लेकिन जन्म से क्षत्रिय थे, इन्हें क्षत्रिय ही माना गया, इन्हें ब्राह्मण नहीं माना गया। जिस प्रकार से द्रोणाचार्य को ब्राह्मण ही माना गया, क्षत्रिय नहीं माना गया, तो जन्म यहाँ पे प्रमुख होकर के आ रहा है। इसके अतिरिक्त कर्ण, कर्ण को राज्य भी मिल गया, बहुत योग्य सेनापतित्व भी था उनके पास, बहुत सैन्य संचालन की बहुत अनुपम क्षमता थी उनके पास, लेकिन उसके बाद भी चूंकि जन्म से सूत पुत्र थे तो सूत पुत्र ही कहलाए, क्षत्रिय नहीं कहला पाए। हमें मौर्य काल में उल्लेख मिलता है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण था, सेनापति था बृहद्रथ का, उसने सैनिकों के सामने बृहद्रथ की हत्या की और शुंग साम्राज्य, शुंग राजवंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग जाति से, जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसने क्षत्रित्व के गुण थे और उसने राजवंश की स्थापना की। इसके अतिरिक्त शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक राजवंश, ये सब के सब राजवंश जो है इसके शासक, इसके स्थापक ब्राह्मण ही थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म और जन्म, इन दोनों के बीच ही वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत को हम पाते हैं। इसमें धर्म का कलेवर डाल दिया गया है और धार्मिक कलेवर के अंतर्गत रहते हुए अपने अपने वर्ण के लोग अपने अपने वर्ण के लिए निर्धारित कर्मों को करके वो क्रमशः अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, समाज का विकास करते हैं, देश का विकास करते हैं, और क्रमशः ये श्रृंखला जो है वर्ण व्यवस्था में, इसमें पुरुषार्थ का भी चिंतन का समावेश हो गया है और एक धार्मिक आच्छादन कलेवर के रूप में इसे प्रतिपादन इसका किया गया और अनुपालन करने की बात कही गई है। अगला सेकेंड पार्ट में होगा जब हम विभिन्न वर्णों और उनके विशेषाधिकार और उनकी अक्षमताओं के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।